मैं और 5 इकोनॉमिस्ट्स मिलकर एक चार्टर ऑफ द इकोनॉमी बना चुके हैं। 5,000 कॉपियां उसकी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं। सबसे पहले मैंने शहबाज शरीफ साहब को दिया, जो उस वक्त अपोजिशन के लीडर थे, बिलावल भुट्टो को दिया और प्रेसिडेंट साहब ने खुद 50 कॉपियां मंगवाई। हुआ क्या? एलीट, पॉलिटिकल एलीट, ऑपोजिशन लीडर्स, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड ऑफ कोर्स द प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर स्टूडेंट, द ओल्ड प्राइम मिनिस्टर, मेरे कुछ अर्सा शागिर्द रह चुके जब मैं वाइस चांसलर था कराची यूनिवर्सिटी का। एक शख्स ने आज तक हमें नहीं बुलाया कि बताएं इसमें क्या है, कौन से रिफॉर्म्स आप प्रपोज कर रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं एक समरी लाया हूं, हालांकि वो किताब तो 250 पेजेस की है, मगर मेरे जो मकबूल साथी बैठे हुए हैं उनको मैं एक समरी पेश करना चाहता हूं। आपको बेशुमार तजावीज मौजूद हैं। हमने तो जिंदगी गुजारी अपने मुल्क की खिदमत, हमने अपने बच्चों के थ्रू की है, और जिस तरह मैंने कहा मेरे शागिर्द दुनिया के कहां कहां नाम बनाया है। मैं सिर्फ ये आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप एक हम आप मैं रुक जाऊं, एक डायलॉग शुरू करूं आपके साथ, आप मुझसे पूछ लीजिएगा कि किस एरिया में आपके ख्याल से क्या होना चाहिए, तो अगर मेरे पास उसका जवाब मौजूद होगा, आखिर इंसान अगर जवाब मौजूद होगा तो मैं खुशी से आपके सामने पेश कर, तो आई वॉन्ट योर टाइम। थैंक यू सो मच सर, आपकी इतनी भी शेर हासिल गुफ्तगु, इंशाल्लाह इसमें जो दर्द दिल झलकता है और जिससे हम भी अपनी इकोनॉमी के को लेके जितना परेशान है, ना सिर्फ अपनी ज़ाती इकोनॉमी बल्कि अपने मुल्क की इकोनॉमी, हम ये समझते हैं कि अगर मुल्क की इकोनॉमी बेहतर होगी तो हम अपनी भी जाहिर है अपने लोगों की इकोनॉमी को बेहतर कर सकेंगे। तो यकीनन सर मेरे ख्याल में कुछ टाइम आप जरूर हमें देंगे। आप जैसे शरीफ लोग गवर्नमेंटों में तो नहीं होते लेकिन लोगों के दिलों में जरूर होते। सर सबसे पहले हमारे पैटर्न चीफ नियाज़ुल निसार साहब से दरख्वास्त करूंगा कि कुछ सवाल रखें जिस तरह डॉक्टर फरमा रहे हैं, और सोल्यूशन के लिए फिर उनसे कोई रहनुमाई। शुक्रिया मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब हफीज़ फ़ौज़ल साहब यहाँ तशरीफ़ लाए, और आपने खुद बड़ा बजा कहा इस पूरी मुल्क परेशान है, एक मजदूर से लेकर एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो है और एक दुकानदार जो है, हर बंदा अपने अपने लेवल पे परेशान है, क्योंकि मईशत के पहिए जो है दिन ब दिन जाम होते जा रहे हैं, और बहुत सारी इंडस्ट्री ऑलरेडी बंद हो चुकी है और हर दिन कोई नेगेटिव खबर सुनने को ही मिलती है। बातें बहुत सारी की जा सकती है, मैं चाहूँगा कि आप मेरा जहन एक जगह उलझा हुआ है, काइंडली अगर उसमें अगर आप रोशनी डालेंगे तो मुझे ज़रा थोड़ा सा और हमारे दोस्त भी बहुत सारे मुस्तफ़ीद होंगे। पिछले दिनों भी फाइनेंस मिनिस्टर साहब तशरीफ लाए थे लाहौर चैम्बर में, मिस्टर इस्माइल साहब, और उन्होंने कहा कि हमने 12,500 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस की है और हम अपने मुल्क को अंधेरों से उजालों में हमने कन्वर्ट किया। तो मैं जब मेरी बारी आई तो मैंने उनसे यही अर्ज़ किया कि जनाब जहां आप 12,500 मेगावाट की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि हमारी बर्बादी यहां से शुरू हुई। उसकी वजह एक तो आईपीपी की पॉलिसीज, उसमें मैं समझता हूं कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रहा, सिर्फ ये था कि बिजली के प्रोजेक्ट्स लगाएँ आप जो इक्विटी जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर की तरफ से होगी उसमें 17% आपको प्रॉफिट देंगे नेट ऑफ टैक्स जी, तो और वो भी डॉलर टर्म्स में लेंगे। यस, तो एक तो ये गलत था, और कहीं ये नहीं कहा गया कि आप बिजली कितनी सस्ती देंगे तो हम आपसे लेंगे, तो कंपटीशन का तो कोई लेवल वहाँ रखा ही नहीं गया। उसी के अंदर किकबैक्स भी हुए,
उसी के अंदर फ्यूल की जो है एक्स्ट्रा कंजम्पशन भी जो की गई, वो फ्यूल आज भी बाजारों में दिख रहा है और उसका सारा लोड बिजनेस कम्युनिटी और इस आवाम पे पड़ रहा है। सर मैंने उनसे ये कहा था कि कुदरत ने अगर इतनी प्याजी से और इतनी हम पर इतनी रहमत की और हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी के मॉडल मौजूद था जिसमें आपका सोलर सिस्टम रोशनी आपके पास हमारे मुल्क में कंपैरेटिवली रोशनी ज़्यादा होती है, समर सीजन भी कंपैरेटिवली 9-10 महीने का है, 8-10 घंटे आपको रोशनी मिलती है और आप हमें चाहिए था कि हम रिन्यूएबल एनर्जी पे जाते जिसमें एक सोलर था, हमने उस मॉडल को भी नहीं अपनाया। फिर दूसरी जो ऑप्शन थी हमारे पास दैट वाज विंड मिल, गवर्नमेंट कहती है कि जी हमारे पास विंड कॉरिडोर मौजूद है और वो भी मुझे बड़ी अच्छी तरह पता है कि 3.5 सेंट पे बेतहाशा दुनिया पावर प्रोजेक्ट्स लगाने को तैयार है बेस्ड ऑन विंड मिल, हमने उस मॉडल को भी ठुकराया। तीसरा जो क्योंकि वो सलाब के दिनों में ही आए थे और आपने देखा भी होगा कि वो उनकी आंखें लंबी हो गई और वो रो भी पड़े, वो एक वीडियो लगी थी फ्लड से रिलेटेड, तो मैंने कहा उनसे कि जनाब देखिए आज इतना एबंडेंट पानी है पूरा मुल्क धोते खा रहा है, हमें चाहिए था कि जिस मुल्क में 5.5 मिलियन लोग हर साल उनकी आबादी में इजाफा होता है, हमें चाहिए था कि हम अपनी फूड सिक्योरिटी भी डैम्स के जरिए डैम्स बनाते और पानी का बेहतर इस्तेमाल करते और बहुत सारे बरानी इलाके जो हैं उसको भी आप सैराब करते और उसको भी आप एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करते ताकि हमारी फ्यूड सिक्योरिटी के भी मामला दुरुस्त होते और साथ बाई प्रोडक्ट के तौर पे आपको एक बिजली भी मिलती। हमने कुदरत के दिए गए ये तीनों जो नवाजशात थी इनको ठुकराया और हम ये कहाँ हमने बिजली प्रोड्यूस की RLNG पे, हमने बिजली प्रोड्यूस की फर्नेस ऑयल पे, हमने बिजली प्रोड्यूस की कोयले पर और आप खुद ही गवर्नमेंट अब ये फिगर्स भी दे रही है कि $80 बिलियन की आपकी इम्पोर्ट थी और उसमें $27 बिलियन जो है आपका ये एनर्जी का शेयर है उसके अंदर। तो मैंने उनसे कहा कि ये एक्सपीरियंस अगर हम आधा बचा लेते तो मेरे ख्याल में आज हालत ना होती, ये जो आज हम बात कर रहे हैं कि हमारा मुल्क फाइनेंशियल क्राइसिस में है या डिफॉल्ट के करीब है। सर एक तो इस हवाले से काइंडली कुछ थोड़ा सा जरा जी बात कर लीजिएगा, कुछ सवालात और भी हैं ठीक है, तो मैं समझता हूँ दूसरे दोस्त भी उनको भी मौका मिल जाए, नहीं तो मैं रिपीट करूँगा। आपने उस सेक्टर को चुना है बिल्कुल मुनासिब जिसको मैं मुख्तलिफ वक्तों पर बात को टेलीविजन पे भी आई कॉल इट द ब्लैक होल ऑफ पाकिस्तान। आपको मैं एक हैरत अंगेज और अदाद शुमार पेश करना चाहता हूं जो शायद पब्लिक नॉलेज में इतनी ज्यादा ना हो आपके पास हो। पिछले साल जो गुजरा है 21-22 हमने पावर सेक्टर को 1100 अरब की सब्सिडी दी, 1100 अरब जो इनकम टैक्स रेवेन्यू का आधा है, जस्ट गिव यू एन आइडिया हाउ लार्ज इट इज, और जो गारंटीड डेट उस सेक्टर के पास है उसमें 330 अरब और कुछ और खर्चे मिल मिलाकर पिछले साल एक सेक्टर 1500 अरब खा चुका बजट से। और सबसे हैरत अंगेज बात यह कि आपके डिफेंस के अखराजात से भी माशाल्लाह ज्यादा हो गया, 1430 अरब था डिफेंस का खर्चा और हमारे माशाल्लाह पावर सेक्टर खा गया 1500 अरब। आपने 100% करेक्ट आइडेंटिफाई किया द बेसिक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, इसके रूट्स क्या हैं, 94 IPP पॉलिसी। और एक बात आज आपको मैं बताता हूं जो पहले कभी मैंने किसी को नहीं बताया और उसकी वजह बताने की भी शायद मेरे कहने के बगैर आपको अंदाजा हो जाएगा। जब हमने बॉम्ब फोड़ा था मई 1998 को हम हुकूमत पे थे,
तो एक मीटिंग में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे सत्ताज अजीज साहब, फिर वो बम्प से एक दो दिन बाद फॉरेन अफेयर्स में चले गए थे, मैं फाइनेंस में आया। एक मीटिंग में हमारे एक मिनिस्टर ने कहा, सर क्या परेशानी है, क्या है, हम क्यों डर रहे हैं दुनिया से? हमारे पास 11 अरब डॉलर के फॉरेन करेंसी अकाउंट्स हैं। 11 अरब डॉलर उस जमाने में आज के 100 अरब डॉलर के लगभग था। ये मैं बात कर रहा हूं आपको 24 साल पुरानी। पैसा ही पैसा है। ये अमेरिकन हमको डांग कह रहे हैं कि हम आपको कर दें ये सैंक्शन वगैरह, जाए करें। उस मीटिंग में हमारे उस वक्त के मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब नवाज शरीफ, गवर्नर स्टेट बैंक की तरफ रुझान उनका गया। एक गवर्नर थे, उनका नाम था डॉक्टर याकूब। उनसे पूछा, डॉक्टर साहब ये हमारे पास इतने पैसे हैं तो ये की मीटिंग क्यों कर रहे हैं, हम क्या क्या जरूरत है हमें, हम तुम। उसने कहा, सर वो पूरे 11 अरब डॉलर हम खा चुके हैं। पावर सेक्टर के आईपीपी इंपोर्ट्स पर हमने 9 अरब डॉलर लगा लिए। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ द डिजास्टर इन द पावर सेक्टर। द 94 पावर पॉलिसी इज वन ऑफ द वर्स्ट policies that we have ever proposed, and I don't need to tell you who was responsible for it. You know who was there in 1994. मैंने इशारा आपको एक तरफ दिया है, और कुछ नहीं कहूंगा। समझ गए? समझ गए? थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं आपसे कुछ कह नहीं सकता, मगर सर कहें जो कुछ कहना कहें। बढ़ के अब क्या हम फेस कर सकते हैं? 6 अरब डॉलर के आपके करेंसी डिपॉजिट्स आर डिक्लेयर्ड। आप स्टेट बैंक के जो हर हफ्ते आता है 6 अरब डॉलर, बड़ी खूबसूरती से निफासत से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 4.2 अरब डॉलर इन सो कॉल्ड शॉर्ट टर्म बॉरोइंग डिपॉजिट से ले चुके हैं। तो भाई